हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स की डिस्ट्रिक्ट पेपर तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जेड बराबर 0 to 1, वाई बराबर 0 to z एंड एक्स बराबर 0 to y, एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सिंपल इंटीग्रेशन करना होगा। ये होगा हमारे पास जेड बराबर 0 to 1, वाई बराबर 0 to z, इंटीग्रेशन एक्स बराबर 0 to y डी और एक्स डी एक्स, बाकी टर्म को हम बाहर रख देंगे, वाई स्क्वायर जेड क्यू डी वाई डी जेड। तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन जेड बराबर 0 to 1, इंटीग्रेशन वाई बराबर 0 to z, और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट है हमारे पास 0 to y डॉट वाई स्क्वायर जेड क्यू डी वाई डी जेड। अब लिमिट अप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड बराबर 0 to 1, वाई बराबर 0 to z, या लिमिट अप्लाई कर देते तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 अप्लाई करते तो 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। तो इस 1/2 को हम बाहर ले आते हैं। ये हो गया 1/2 को बाहर ले आए वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वाई 4, क्योंकि जब ये अप्लाई किया तो वाई स्क्वायर, और ये वाई 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 एंड जेड क्यू डी वाई और डी वाई डी जेड। अब फिर से हमें वाई की करस्पॉन्डिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वाई बराबर है, तो यहाँ पे वाई की करस्पॉन्डिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 जेड बराबर 0 to 1, इसका करेंगे वाई की करस्पॉन्डिंग, जेड तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ये हो गया वाई की पावर 5, वाई की पावर 5 अपॉन 5, और ये जेड क्यू बाहर है और लिमिट है इसकी जेड बराबर 0 to 1, सॉरी वाई बराबर 0 to z, वाई बराबर 0 to 1 और डी जेड। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारे पास वाई बराबर 0 to, सॉरी जेड है जेड, ये लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर है, 1/2 ये बाहर है, और ये हो जाएगा हमारे पास जेड टू दी पावर 5, और ये 1/5 बाहर आ जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया, और ये हो गया y to the power 5, z to the power 5 आएगा, z to the power 5 into z to the power 3, तो z to the power 8, और 0 का अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा डी जेड, और ये हमारे पास z बराबर लिमिट रहेगा 0 to 1। तो ये हो गया हमारे पास 1/10। अब इसका अप्लाई, इसका लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे तो z to the power 9 अपॉन 9 0 to 1, तो ये हो जाएगा, अब हमारे पास अप्लाई करेंगे लिमिट तो ये हो जाएगा 1/90, यानी कि अप्लाई करेंगे तो 1/10 तो है, 1/9, 1 अप्लाई करेंगे 0 अप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, तो ये 1/90, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे। इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।